द हिंदू के 22 जनवरी का दूसरा एडिटोरियल सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन पर आधारित था जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बनाए रखने के लिए डिसीजन दिया था। उस पूरे एडिटोरियल को हमने दूसरे वीडियो में समझा है, इसमें हम लोग उस एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। डिक्लाइन शब्द यूज किया गया है जिसका अर्थ होता है अस्वीकृत करना, स्टे का अर्थ होता है रहना, ऑपरेशन यानी क्रियान्वयन, साइटिंग यानी उसका हवाला देते हुए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले डिसीजन का हवाला देते हुए बात कही है अपनी, इसीलिए यह वर्ड यूज किया गया है साइटिंग। रिफ्यूज्ड यानी मना कर दिया, नैरो यानी संकीर्ण, टेक्निकल तकनीकी, ऑर्डर यानी आदेश, हेड यानी नेतृत्व करना, डिस्क्लोज यानी खुलासा, सील्ड यानी बंद, और डिटेल्स का अर्थ तो विवरण होता है ये हम जानते ही हैं, डोनेशन यानी दान, और एनोनिमस कहा जाता है जो गुमनाम हो, जिसका नाम आपको ना पता हो, लिमिटेड यानी सीमित, अवेलेबल यानी उपलब्ध, और वेटी यानी प्रभावपूर्ण, इन्वॉल्व्ड यानी शामिल, डिक्लाइंड यानी इनकार कर देना जैसा हमने ऊपर देखा, ग्रांट यानी अनुदान, अलाउ करना किसी चीज की परमिशन देना, और डिसअपॉइंटिंग यानी निराशाजनक होता है, और हाउएवर का अर्थ होता है हालांकि या तथापि। इसके बाद जो शब्द है क्वाइट, इसका अर्थ होता है काफी या बिल्कुल, नोट यानी गौर करना, रिमेन बाकी होना, और अनमूव्ड यानी स्थिर, सबमिशंस यानी कि प्रस्तुतियां जो दाखिल की गई हैं, परचेज यानी खरीद फरोख्त, और कॉइनसाइड का अर्थ होता है मेल खाना किसी चीज से, असेंबली यानी सभा, वैसे यहाँ पर ये दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस के लिए यूज किया गया था तो इसका अर्थ होगा विधानसभा चुनाव, स्कीम यानी योजना, और फ्रिक्वेंटली का अर्थ होता है बार बार, रूलिंग यानी सत्तारूढ़, स्टैंड टू का अर्थ होता है किसी चीज के लिए तैयार रहना, और बेनिफिट यानी फायदा। इसके बाद है रिविलेशन, रिविलेशन का अर्थ होता है खुलासा किसी चीज का, सजेस्ट यानी सुझाना, वॉइस्ड यानी गूंजने वाला, रिजर्वेशन को आरक्षण बोलते हैं हम लोग, और स्कीम यानी योजना, इनेबल का होता है सक्षम होना, और प्रोविजन यानी प्रावधान, और फाइनेंस कहते हैं वित्त को, इंट्रोड्यूस यानी शुरू करना किसी चीज को, और एसोसिएशन कहलाता है संगठन। इसके बाद शब्द है डेमोक्रेटिक, हम सभी जानते हैं जनतांत्रिक होता है, रिफॉर्म यानी सुधार, पेटिशनर कहा जाता है जो पेटिशन दायर करता है यानी कि जो याचिका देता है, याचिका करता, डिस्क्लोज यानी खुलासा करना, ओवरवेलमिंग का अर्थ होता है जबरदस्त, मेजॉरिटी यानी बहुमत, और डोनेशंस यानी कि दान, फर्दर यानी आगे, और स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत को, अपोजिशन विरोध को बोलते हैं, विरोधी को भी कह सकते हैं, और अमेंडमेंट का अर्थ संशोधन होता है, ये शब्द बहुत चर्चा में है अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी योगदान, पॉलिटिकल का अर्थ होता है राजनीतिक, पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से, और रेस्पॉन्स का अर्थ हुआ प्रतिक्रिया, प्रोविजंस यानी प्रावधान क्या क्या है, इनेबल यानी सक्षम बनाना, क्रिएशन यानी सृष्टि यानी किसी चीज का निर्माण करना, सोल यानी एकमात्र एकलौता, और डोनेशंस का अर्थ होता है दान हमने पीछे देखा, और पॉलिटिकल तो राजनीतिक को बोलते ही, एबोलिशन होता है उन्मूलन, उन्मूलन यानी किसी चीज को खत्म करना, क्लाउज का अर्थ हुआ यहाँ पर धारा जो कि संविधान की है, और डिक्लेयर का अर्थ हुआ घोषित करना, कंट्रीब्यूशन शब्द का अर्थ होता है योगदान, और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, कॉम्प्रोमाइज का अर्थ हुआ समझौता करना, अमेंडमेंट यानी संशोधन, और फॉरेन को तो विदेश भी बोलते हैं, और कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान जैसे ऊपर है, अनचेक्ड अनियंत्रित, और फंडिंग यानी कि वित्त पोषण किसी चीज को पैसा देना, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और लीड टू का अर्थ होता है उस चीज का कारण बनना, और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, पॉलिसी मेकिंग तो नीति निर्माण हो गया, और ओवरऑल यानी संपूर्ण सारा कुल मिलाकर के, और अनइक्विवोकल यानी कि स्पष्ट होना, और पोजीशन यानी स्थान, बैकड्रॉप कहते हैं पृष्ठभूमि को, और इंट्रीग्यूइंग का अर्थ होता है पेचीदा उलझा हुआ, फोर्टनाइट 15 दिन का समय यानी कि पखवाड़ा, और रिप्लाई यानी जवाब, पेटिशन याचिका, और पोजीशन यानी स्थान, क्वाइट जैसा हमने शुरू में देखा था काफी या बिल्कुल, और क्लियर तो स्पष्ट होता है, और लिस्ट का होता है कम से कम, एक्सपीडाइट का अर्थ होता है शीघ्र यानी जल्दी से तेजी से, और फाइनली यानी अंतिम, इंडीड यानी कि वास्तव में, ग्राउंड का अर्थ हुआ यहाँ पर आधार, सिस्टम यानी प्रणाली, एनोनिमस गुमनाम, बेरर ले जाने वाला ढोने वाला उस चीज को, एनोनिमिटी का अर्थ हुआ गुमनामी, और क्लियर यानी स्पष्ट, अनफेयर जो कि फेयर नहीं हो, उचित नहीं हो, अनुचित, एडवांटेज यानी लाभ, रिमेंबर यानी याद करना, और फेलियर कहा जाता है असफलता को, अर्ली का तो हम लोग जानते हैं जल्दी होता है, हियरिंग शब्द का अर्थ हुआ सुनवाई, ऑलरेडी यानी पहले से ही, और स्कीम यानी योजना, अहेड का अर्थ हुआ आगे, मेजर यानी प्रमुख, और पॉसिबल का अर्थ हुआ मुमकिन,
असेस का अर्थ हुआ आकलन करना, जैसे असेसमेंट करते हैं एग्जाम वगैरह में, वही। एडवर्स यानी विपरीत, उसका उल्टा, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ओपेसिटी अस्पष्टता, ये ट्रांसपेरेंसी का उल्टा होता है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शी और ओपेसिटी यानी अस्पष्ट। इलेक्टोरल यानी चुनावी और प्रोसेस यानी प्रक्रिया। मैटर का अर्थ हुआ मामला और अर्ली यानी जल्दी। एक्सपेडिशियस एक्सपेडाइट से बना हुआ है जिसका अर्थ हुआ शीघ्र। डिसीजन यानी फैसला। इन सारे वर्ड्स के मीनिंग पर अच्छी कमांड के लिए आप इस पूरे एडिटोरियल को जरूर समझिए। इस वीडियो में मैंने पूरे एडिटोरियल को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझा दिया है। वर्ड के साथ साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी इंप्रूव होगी और करंट अफेयर पर आपकी पकड़ तो बनेगी। मिलता हूँ मैं आपसे उस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।